17 नंबर का जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक्वस सॉल्यूशन में आपको क्या दिया हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले यदि हम इसको लिखें, सीएसई फिफ्थ वाला जो स्ट्रक्चर है, यदि हम लोग इसमें देखें सीएसई का होल ट्वाइस एनएस, सीएसई को मैं इस तरह से बना सकती हूँ। इसका मतलब ये भी क्या लगा है, प्लस आई, और ये भी क्या लगा है, प्लस आई। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो ये वाला ऑर्डर है फोर्थ, फोर्थ में क्या लगा हुआ है, CH3NH2। उसके बाद आपको दिया हुआ है सेकंड वाला ऑर्डर, और सेकंड में आपको दिया हुआ है CH3N CH3 और CH3। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है थर्ड NH3, और फर्स्ट आपको दिया हुआ है C6H5NH2, मतलब एनिलीन आपको दिया हुआ है। यहाँ जो लॉन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज लॉन पेयर मतलब रेजोनेंस में पार्ट लेने वाला लॉन पेयर, ठीक है, जबकि इन सब में क्या होगा है, लोकलाइज लॉन पेयर है। इन सब में क्या है, लोकलाइज लॉन पेयर है, लोकलाइज लॉन पेयर है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपसे यहाँ क्या पूछा गया है, एक्वस सॉल्यूशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन का जो ऑर्डर रहता है वो ऑर्डर रहता है, एक्वस सॉल्यूशन में जो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है वो कहता है 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन फिर 3 डिग्री। ये ऑर्डर आपका एक्वस सॉल्यूशन में रहता है अमीन्स के लिए। यदि आपको गैसियस फेज में पूछा जाता, गैस फेज में, तो गैस फेज में हमारा कौन सा ऑर्डर रहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये भी आप लोग नोटिस करें कि आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है या गैसियस फेज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्वस सॉल्यूशन वाला। तो यदि आप लोग इसमें देखो तो 2 डिग्री वाला अमीन कौन सा है, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ के बाद इसमें क्या आना चाहिए, जो 1 डिग्री अमीन है इसके अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए, तो 1 डिग्री अमीन कौन सा है आपका, फोर्थ नंबर वाला ग्रुप, ठीक है। तो इसके बाद आना चाहिए 4, देन फिर उसके बाद आना चाहिए 3 डिग्री अमीन, क्योंकि हमारा ऑर्डर तो यही है ना, 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 3 डिग्री अमीन सेकंड, फिर उसके बाद आना चाहिए यहाँ पे NS3, ठीक है, NS3, देन फिर उसके बाद आता है फर्स्ट, क्योंकि ये वाला जो लॉन पेयर है जितना ज्यादा लोकलाइज होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस में पार्ट लेगा, उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा बेस स्ट्रेंथ कम होता है। तो जो सही ऑर्डर है वो ये होना चाहिए 5 4 2 3 1। तो इसके हिसाब से जो आंसर हमारा आना चाहिए, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।